नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं रोलैंड एक्सपीएस 30 में एक साउंड एडिटिंग के लिए एक ऐसे पैरामीटर के ऊपर हम थोड़ा वर्कआउट करते हैं जिसको कहते हैं रेजोनेंस। रेजोनेंस तो वैसे आप जानते ही हैं, लेकिन रेजोनेंस और उसके साथ में उसका वेलोसिटी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये एक सिंथ का साउंड ले लेते हैं, क्योंकि सिंथ के साउंड में हमें ठीक से कुछ समझ में आएगा कि ये कैसा है। जैसे ये एक लीड है, ये एक लीड का साउंड है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके साथ क्या है, कैसे है, या फिर क्या कर सकते हैं। तो ये सबसे पहले मैं स्क्रीन जूम कर लेता हूँ। मेनू करेंगे, मेनू में एडिट, पैच एडिट। पैच एडिट में इस बार हमें देखना है वो सिर्फ, हाँ ये हमें टीवी ऐप में आएंगे, मतलब ये। तो अभी यहां पर हमारे सामने ये दो साउंड चल रहे हैं, एक है ये, तो हम क्या करते हैं सिर्फ दो नंबर के साउंड के ऊपर काम करते हैं। अब यहां पर ये कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है 94। सपोज हम इसको सबसे पहले जीरो कर देते हैं, तो ये बंद हो गया। हाँ तो ये है हमारा फिलहाल कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब जैसे रेजोनेंस यहां पर है जीरो, अगर रेजोनेंस हम बढ़ाते हैं तो क्या होता है, शायद आपको साउंड थोड़ा वियर्ड लगेगा। हाँ ये रेजोनेंस, हाँ तो कुछ ऐसे हो रहा है। अब हम इसको क्या करेंगे, क्योंकि इस बार हमें जो समझना है वो ये है कि जैसे यहां पर कट ऑफ वेलोसिटी कर्व है, वेलोसिटी सेंस है, सेम ऐसे नीचे है रेजोनेंस वेलोसिटी सेंस। अब रेजोनेंस वेलोसिटी सेंस को अगर हम बढ़ाते हैं तो क्या होता है, हाँ तो यहां से क्या होता है कि आप अगर कोई भी साउंड जब आप वेलोसिटी पे बजाते हैं, तो मैं अभी पहले हमारा ये स्क्रीन थोड़ा आपको नजदीक करके दिखाता हूं, सॉरी की, तो क्या होता है कि जैसे अब हम ये इस नोट को बजा रहे हैं, ये आवाज आपको सुनाई दे रही है, हल्के से प्रेस करते हैं तो आपको थोड़ा मेलो साउंड मिलेगा, और उसको ज्यादा प्रेशर देंगे मतलब वेलोसिटी पे आप जाएंगे तो आपको जो हमने रेजोनेंस बढ़ाया था वो साउंड मिलेगा। अगर आप हल्के से बजाएंगे तो ऐसे बजेगा, और अगर आप इसको ज्यादा प्रेशर से बजाएंगे तो, हाँ तो कुछ ऐसे हो रहा है। तो आप बहुत सारे साउंड के साथ अगर आपको रेजोनेंस या फिर आपका कट ऑफ बढ़ा के अगर कुछ वेलोसिटी के साथ प्ले करना है आपको, तो ऐसे कर सकते हैं। मतलब परफॉर्मेंस में ऐसा होगा कि कुछ टाइम आपका साउंड मेलो बजेगा, कुछ टाइम आपका साउंड जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि रेजोनेंस वाला साउंड बजेगा। बहुत सारे गिटार टाइप के साउंड में भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और आइए हम एक बार इसको देख भी लेते हैं कि अगर हम कट ऑफ बढ़ाते हैं तो क्या होता है। हाँ और साथ ही साथ अगर हम जैसे ये हमारा रेजोनेंस वेलोसिटी सेंस जो हमने अभी प्लस किया था, प्लस 63 था, तो कुछ ऐसे हो रहा था, आप देख रहे हैं कि जब आप प्रेशर देंगे तभी आपको वो रेजोनेंस का साउंड मिलेगा। अगर हम इसको -63 कर देते सपोज, तो उल्टा हो जाएगा। अभी हम हल्का प्रेशर देंगे तो हमें वो साउंड मिलेगा, और ज्यादा प्रेशर देंगे तो मेलो साउंड हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि अगर हम वेलोसिटी प्लस करते हैं तो ऐसा होगा कि हम हल्का प्रेशर देंगे तो मेलो साउंड है, और ज्यादा प्रेशर देंगे तो रेजोनेंस का साउंड मिलेगा। और अगर उसको -63 या XYZ जो भी आपकी जरूरत है उतना करेंगे तो आपके लिए ये होगा कि हल्के प्रेशर में आपको वो रेजोनेंस वाला साउंड मिलेगा, और ज्यादा प्रेशर देंगे तो आपको फिर वो मेलो साउंड मिलेगा।
तो बस ये है, और उसी को अगर हम देखते हैं कि चलो एक बार ट्राई कर लेते हैं इसको, हम इसको कर लेते हैं जीरो पहले। अब ये कट ऑफ फ्रीक्वेंसी तो जैसे हमारा ऑलरेडी है ही है, अब इसको हम बढ़ा दे देते। हाँ, यहां भी सेम हो रहा है कि कट ऑफ अगर हम -63 रखते हैं तो बिल्कुल लाइट प्रेशर पे हमें वो साउंड मिलता है, अगर ज्यादा बढ़ाएंगे तो फिर वो साउंड बिल्कुल बंद जैसा हो जाएगा। तो बस यही है फ्रेंड्स कि हमारे सामने हम देख रहे हैं कि कट ऑफ और रेजोनेंस, उसको हम वेलोसिटी के साथ अगर कुछ काम करना चाहे तो हम कैसे कर सकते हैं, या उसका उपयोग हम कैसे कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पर हमने जो कट ऑफ है, अब उसका ये वेलोसिटी हम वापस जीरो कर देते हैं। और इसको हम अगर बढ़ा देते हैं, हाँ, तो बस फ्रेंड्स मेरे हिसाब से यही है कि हम अपना कीबोर्ड में, कोई भी कीबोर्ड में है, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ XPS 30 में है, सभी कीबोर्ड में ये है कट ऑफ और रेजोनेंस। कट ऑफ और रेजोनेंस हम बाहर से वॉल्यूम कंट्रोलर से तो कंट्रोल करते ही है, लेकिन उसको अगर आप वेलोसिटी के साथ कुछ काम करना चाहते हैं, कुछ वहां पर मैजिक दिखाना चाहते हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छा फीचर है, आप इसके साथ काम कर सकते हैं। हाँ, तो अगर हम इसको एक बार कॉर्ड्स में बजा के ट्राई कर लेते हैं तो ऐसे ऐसे ही होगा शायद। फ्रेंड्स आशा करता हूं शायद ये आपको मेरा प्लेइंग दिखाने का मकसद नहीं है, मैं सिर्फ आपको ये दिखाना चाहता हूं कि अगर आप इसको रेजोनेंस और कट ऑफ को वेलोसिटी के साथ अगर आप इस तरह से करेंगे तो आप लाइव शो में, आप कोई भी ऐसा सिंथ टाइप साउंड है या फिर ट्रम्पेट के साउंड के साथ आप बहुत अच्छा प्ले कर सकते हैं। ट्रम्पेट में भी अगर आपने एक ऐसा रेजोनेंस में या फिर इस हिसाब से आपने साउंड बना के रखा होगा, तो जब ज्यादा प्रेशर देंगे तो आपका ट्रम्पेट ऐसे शार्प टाइप साउंड करेगा। तो ऐसे बहुत सारे हम एक्सपेरिमेंट इसके साथ कर सकते हैं। तो बस फ्रेंड्स आशा करता हूँ आपके लिए ये कुछ हेल्पफुल हुआ होगा, कुछ भी इसको लेकर के आपके कमेंट्स है तो प्लीज़ ज़रूर बताइए, तो आने वाले वीडियो में हम उसको करेक्शन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।